स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस। यहां से आपका प्रॉपर टैक्सेशन का प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस आप लोग बेसिक्स में थोड़ा नाम सुनकर आए थे, याद होगा जब टैक्स रेट देख रहे थे, टैक्स रेट और रेसिडेंट, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होता है तो बेटा 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता था। और फिर जैसे बोला कि सीनियर सिटीजन नॉन रेसिडेंट है, फिरंगी है, 2,50,000 पे आ गए थे। रेसिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन 80 इयर्स एज तो आप लोग 5 लाख तक एग्जेम्पशन दिए थे, और जैसे बोलिए कि वो फिरंगी है तो फिर आप क्या कर दिए थे, 2,50,000 पे आ गए थे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पूरा टैक्सेशन सिस्टम पे। दो पॉइंट जो आपको डायरेक्टली विजुलाइज कर सकता हूँ ये समझिए। फर्स्ट, एक तो टैक्स रेट में सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन का बेनिफिट ओनली रेसिडेंट्स को दिया जाता है, नॉन रेसिडेंट्स को नहीं। तो आपको जानना पड़ेगा कि किसे कहते हैं रेसिडेंट, किसे कहते हैं नॉन रेसिडेंट। टॉप ऑफ दैट, जो इनकम हम लोग अर्न करते हैं, जो कमाई करते हैं, जिस पे टैक्स लगता है, वो हम लोग इनकम इंडिया में भी कमा सकते हैं, इंडिया के बाहर भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम लोगों पे इंडियन इनकम पे भी टैक्स लगेगा इंडिया में, और फॉरेन में जो कमाई कर रहे हैं उस पे भी टैक्स लगेगा इंडिया में, बिकॉज वी आर रेसिडेंट, वी आर रेसिडेंट। अगर आप रेसिडेंट हो तो ग्लोबल इनकम, ऑल ओवर वर्ल्ड के इनकम पे टैक्स लगेगा इंडिया पे। इसलिए भी आपको रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है कि क्या होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। सारे इनकम पे हम लोग टैक्स देंगे। अब बताओ रोनाल्डो, मेसी, अभी तो फीफा में छाया हुआ है, रोनाल्डो तो अच्छा खेल ही नहीं रहा, फिर भी चलो स्टार प्लेयर है, ये लोग अभी कतार में खेल रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कमाई करते हैं। तो ये जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, मेसी, रोनाल्डो, ये लोग तो इंडिया में टैक्स नहीं देगा ना, उन लोग तो पूरा दुनिया में कमाता है। हाँ, इंडिया में आके खेलेगा, कुछ कमाई करेगा तो इंडिया में टैक्स लगेगा। तो पार्शलिटी हो गया, देखो हम लोग जाके कतार में इनकम अर्न करेंगे तो वो टैक्स लगेगा इंडिया में, बट रोनाल्डो मेसी लोग भी तो कमा रहे वहाँ पे, वो वाला इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है क्योंकि वो लोग इंडिया के नॉन रेसिडेंट है। क्या बेटा? नॉन रेसिडेंट। तो इनकम, इनकम टैक्स तो बाद में आएगा, पहले इनकम। इनकम ग्लोबल इनकम हो सकता है, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स नेक्स्ट चैप्टर है, वो बताएगा कौन सा इनकम पे किसको भारत में टैक्स देना है, कौन सा इनकम में किसको भारत में टैक्स देना है। एंड दैट इंसिडेंस इज डिपेंडेंट ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस, किसे कौन सा इनकम पे भारत में टैक्स देना है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे होता है। तो दो दो काम हो गए रेसिडेंस स्टेटस का, एक टैक्स रेट में भेदभाव और एक इनकम पे। बट ऐसे समझ के रखना, जो हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे इंसिडेंस, उसमें यही बताया जाएगा इनकम कुछ इंडिया के बाहर है, कुछ इंडिया में है, तो कौन सा इनकम पे किसको टैक्स देना है, फिर सेग्रीगेट करना है, और ये हो जाता है इंसिडेंस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है आपका प्रीवियस ईयर 22-23 में इंडिया में क्या स्टेटस है। नॉर्मली हम लोग टीवी वीवी में सुन के आते रहते, दोस्त यार से बात करते, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, उसी को प्रॉपरली सीखेंगे। तो बेटा आप यहाँ से हम लोग ना सब कुछ अपने कॉपी में लिखेंगे, सब कुछ अपने कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिखने के बाद, समझाने के बाद, फिर किताब का एक एक लाइन पढ़ाएंगे। यानी टैक्स में अब मेरे को दो बार मेहनत करना है, पहले समझा कर, पहले कॉपी में लिखा कर फिर समझाना है, और फिर उसके बाद पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी पढ़ना है। सो यहाँ से कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे रेसिडेंस स्टेटस, कॉपी का पेज नंबरिंग वगैरह कर लेना। पॉइंट नंबर वन, इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी।
इंसिडेंस का अंडरलाइन कर देना, इंसिडेंस का अंडरलाइन कर देना। इंसिडेंस का मतलब होता है किसे कौन सा इनकम पे भारत में टैक्स देना है। इंसिडेंस का मतलब होता है कि कौन सा इनकम पे किसे भारत में टैक्स देना है। एरो मार के हिंदी में लिख लेना, कौन सा इनकम पे भारत में टैक्स लगेगा या कहाँ का इनकम पे भारत में टैक्स लगेगा। कहाँ का इनकम में भारत में टैक्स लगेगा ये कौन डिसाइड करता है थापा भाई, कौन डिसाइड करता है? रेसिडेंशियल स्टेटस। डन बेटा, रेसिडेंस स्टेटस, ठीक है। और यही मेन है। तो बेटा अगर ये चैप्टर आप लोग बढ़िया से सीख लोगे ना अभी दो घंटा में, नेक्स्ट चैप्टर ना इससे और आसान लगेगा। बस वहां पे बोल देगा परी बेटी का इंडिया में इनकम है, बाहर इनकम है, रोनाल्डो का बाहर इनकम है, इंडिया में इनकम है, बस ये बता देगा। और वहां पे सिखाया जाएगा कौन सा इनकम पे किसको टैक्स देना है। तो मजा वाला पॉइंट है। तो और ये तो है ही, प्लस टैक्स रेट में भी भेदभाव था ना, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट होने से ही। इसके अलावा बहुत सारे और भी आइटम्स है, डिडक्शंस वगैरह रेसिडेंट को दिया जाता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं। तो बेटा जितने भी आपके एसएससीज है, लाइक दिस पर्संस, सब एसएससी है, तो आपको इंडिविजुअल का रेसिडेंसी स्टेटस देखना है, उनका तरीका अलग है। आपको पार्टनरशिप फर्म का भी देखना है, आपको कंपनी का भी देखना है, आपको AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन, जितने सारे पर्सन्स के क्लासिफिकेशन थे सबका स्टेटस कैलकुलेट करना सीखना है, डिटरमाइन करना सीखना है। सबका तरीका अलग अलग है, बट इंडिविजुअल का तरीका थोड़ा बड़ा है और सबका तरीका एक ही लाइन का, एक लाइन पे डिफाइंड है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेसिडेंस स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, फिर उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ेंगे, फिर कंपनी पढ़ेंगे, फिर पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI। नाम से डरना नहीं, इंडिविजुअल होने के बाद सब कुछ ऐसे देखने से ही हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ये टॉपिक नंबर 2 हो जाएगा ना, हम लोग तो सीरियल नंबर लिखते हैं ना बेटा। हाँ, पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 तो था कि वो इंसिडेंस का मतलब, पॉइंट नंबर 2 बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। एवरी प्रीवियस ईयर में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं हर एक साल का, ठीक है ना। और ये कैसे डिसाइड होता है इंडिविजुअल का, पता है? इंडिया में कितना दिन रुका आपने, आप इंडिया में कितना दिन प्रेजेंट हो, उसके हिसाब से आपका स्टेटस काउंट होता है। तो देखना, एक इंडिविजुअल का ना 3 स्टेटस होता है। रेसिडेंस स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ब्रॉडली एक इंडिविजुअल जो आप लोग सुने थे आज के पहले वही होता है, या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट। एक इंडिविजुअल कैन बी आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। आप लोग क्या, ये तो गांव में जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग भी जानते हैं, वो रेसिडेंट है, विदेश से आ गया, देखो NR आया, नॉन रेसिडेंट आया ये, और हम लोग रेसिडेंट है। तो ब्रॉडली 2 होता है, बट इफेक्टिवली 3 होगा। रेसिडेंट बनने के बाद पहले तो चलो, पहले 2 टर्म तो आप लोग समझो। एक इंडिविजुअल कैन बी आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, वो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ डेज यू आर प्रेजेंट इन इंडिया, यू वेर प्रेजेंट इन इंडिया, वो अभी डेज वगैरह बताएंगे। तो वंस यू हैव बिकम रेसिडेंट, अगर आप रेसिडेंट बन गए तो आपका और 2 में से कुछ हो सकता है। नॉन रेसिडेंट बन गए तो चैप्टर क्लोज, यू आर नॉन रेसिडेंट। तो वंस यू हैव बिकम रेसिडेंट, आप लोग टेंशन नहीं लेना, अभी मैं सिखाऊंगा रेसिडेंट कब बनते। आप रेसिडेंट बन जाएंगे तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ROR बोलते हैं शॉर्ट में, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और यहाँ पे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो ये बेटा टोटल हम लोग इंडिविजुअल का स्टेटस बोले तो 3 में से कोई एक होगा, या तो आप इंडिया में ROR बनेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या इंडिया में रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या इंडिया में नॉन रेसिडेंट। तो बेटा हम लोग अभी पहला क्राइटेरिया देखेंगे कि रेसिडेंट कब बनता है।
तो कुछ कंडीशंस आपको अभी मिलेगा, 6(1) कंडीशंस भी अब हम लोग पढ़ेंगे। कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, वो कितना दिन भारत में था, वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देंगे तो रेसिडेंट, और वो उतना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे तो नॉन रेसिडेंट। फिर रेसिडेंट बनने के बाद फिर से कंडीशंस मिलेंगे, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो ROR, और नहीं करेंगे तो RNOR। अब इसको बढ़िया से 2-3 घंटा में समझ कर, समझ करके, याद करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेटा ये समझ में आया आपको, एक इंडिविजुअल पहले क्या हो सकता है, आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। वंस यू हैव बिकम रेसिडेंट, यू कैन बी आइदर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। डन बेटा, आप लोग इसको कॉपी करो। आइए, सबने लिख लिया बेटा, हम लोग ये पॉइंट नंबर, अब इसी को कंटिन्यू करते चलेंगे बेटा। पॉइंट नंबर 2 में बहुत सारा बातें करेंगे। डन, ये हो गया। आइए अब मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि कैसे आप इंडिया में रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट बनेंगे। ध्यान से देखना बेटा, ये सेक्शन है, ये सेक्शन याद कर लेंगे हम लोग, याद हो जाएगा। पहला सेक्शन, सेक्शन 6(1) पे दो कंडीशंस दिया है, सेक्शन 6(1) पे दो कंडीशंस दिया है, दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई कर लेंगे तो रेसिडेंट बन जाएंगे। 6(1) का anyone, दोनों में से कोई एक को सेटिस्फाई कर लेंगे तो क्या बन जाएंगे बेटा, रेसिडेंट। फर्स्ट है बेटा 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, तो एक बार के लिए हमारा प्रीवियस ईयर क्या है बेटा, 22-23। अगर आप 22-23 में इंडिया में 182 डेज रुक गए, कितना दिन बेटा, 182 डेज अगर इंडिया में रुक गए, 182 डेज या उससे ज़्यादा रुक गए, कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर 22-23 में 182 डेज या उससे ज़्यादा रुक गए तो वो बन जाएगा रेसिडेंट। तो एक साल में 365 डेज होता है, उसको आधा करने से 182.5 होता है क्या, 5, तो 182 माने आधा साल इंडिया में रुक गया तो हो गया। ये है पहला आपको याद रखने के बाद, इफ एनीवन इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, एटलीस्ट 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, देन ही और सी विल बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी इंडिया का रेसिडेंट बनेगा 6(1) का anyone सेटिस्फाई कर ले। फर्स्ट कंडीशन क्या था बेटा, प्रीवियस ईयर में, क्या ईयर में, प्रीवियस ईयर में 182 डेज या मोर रुक गया। प्रीवियस ईयर हमारे लिए तो 22-23 है ना, अगर किसी कारणवश हमें को 21-22 का चेक करना है तो फिर प्रीवियस ईयर 21-22 में 182 डेज, अगर हमें किसी कारणवश 19-20 का स्टेटस कैलकुलेट करना, पुराना फाइल ओपन करना है तो 2019-20 में 182 डेज, समझ में आ गया। एवरी प्रीवियस ईयर का अपना अपना स्टेटस होता है, और हमारे लिए मेनली मिलेगा 22-23, बट कभी पुराना भी निकालना पड़े तो उस प्रीवियस ईयर में जाएंगे, समझ में आ गया। तो आप लोग से जब पूछेंगे तो प्रीवियस ईयर 22-23 मत बोलना। एन इंडिविजुअल विल बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही और सी इज प्रेजेंट इंडिया फॉर
182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर या लेटर ऑन वी कैन से और प्रीवियस ईयर इज 22 डेज, देन अगर कोई 182 डेज नहीं है तो भी वो रेसिडेंट बन सकता है. दूसरा कंडीशन है, दूसरा 60 डेज प्रीवियस ईयर में, 60 डेज प्रीवियस ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, ठीक है ना, समझा बेटा, और 360 डेज और मोर, हाँ बेटा 60 डेज और मोर, मैंने 60 डेज मतलब समझ गया मिनिमम, एंड 365 डेज और मोर इन फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. बड़ा सा ये करेंट ईयर में 60 डेज है, करेंट ईयर में 22-23 में 60 डेज है, और उसके पहले का चार साल में, उसके पहले का चार साल में फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर. तो बेटा ये बड़ा सा है, यहाँ पे दो बातें बताया गया, करेंट प्रीवियस ईयर में तो रहना ही पड़ेगा 60 डेज, कितना 60 डेज, एंड प्लस 365 डेज और मोर इन फोर PPY प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. तो बेटा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या होता है बता रहे, हमारा करेंट प्रीवियस ईयर क्या है 22 डेज. बेटी वो दिख नहीं रही, थोड़ा साइड है ना, और थोड़ा सा, हाँ ठीक है, और थोड़ा सा इधर आ जाओ. ओके, करेंट प्रीवियस ईयर क्या है बेटा 22-23, उसके प्रीसीडिंग फोर प्रीवियस ईयर क्या होगा 22-23 के पीछे चार साल का नाम बोलो तो मेरे को उल्टा गिनती की तकलीफ होता है. 21-22 गिनना मत, पीछे जाते समय गिर जाते. 20-21, 19-20, 18-19, ये चारों मिला के टोटल 365 डेज और मोर. हो गया भाई, हो गया, मेन बेसिक्स यही था. सो एन इंडिविजुअल विल बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही और सी इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, या ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, 60 डेज प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 PPY. देन बेटा अगर 182 डेज भी नहीं है, अगर 63-65 डेज वाला भी नहीं है, तो ये विल बिकम नॉन रेसिडेंट. अभी इस पर हम लोग ना अरे एक डेढ़ घंटा एकदम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, देन तो बेटा समझना है, सेकेंड वाले को समझने में टाइम लगता है, मोर एग्जाम्पल्स यू विल बी गेटिंग राइट नाउ, डोंट वरी. तो समझ में आया सेकेंड वाला क्या है बेटा, सेकेंड वाला में दो बात है, क्या प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना पड़ेगा एंड 365 इन 4 PPY. अब ऐसा हुआ प्रीवियस ईयर में मैं 50 ही दिन हो, 22-23 में 50 ही दिन हो, लेकिन पहले के चार साल में 400 दिन हो, तो भी नहीं बनूंगा, समझा ना बेटा. ऐसे चलो प्रीवियस ईयर में मैं 150 दिन हूँ, 150 डेज, लेकिन पिछले चार साल में मैं 300 दिन ही भारत में था, तो भी नहीं होगा. ये दोनों एक साथ है, से हाउ इट्स एक साथ है, क्या क्या इसमें, प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा प्लस 4 PPY में 365 डेज और मोर. डन इफ fails to satisfy both the conditions means non-resident, not satisfying any conditions, neither first one nor second one, then you'll become non-resident. तो non-resident का chapter close हो जाएगा, फिर resident का chapter तो आगे और चलेगा ना. दो साल पहले ना बेटा इसमें भी बदलाव आ गया, मतलब बहुत लोग ना रईस लोग ना इसका गलत फ़ायदा उठाते थे इस section का. इंडिया में तो रहते थे 60 दिन नहीं रहते थे, कम करके वैसा कुछ कुछ करते थे. तो इसके लिए ना दो पॉइंट और आएगा जिसको हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, वो हिट लिस्ट है, बट ये बेस है. ये जब से टैक्स बना है ना तब से, जब से मैं पढ़ रहा हूँ ना तब से यही चल रहा है. फिर से बोलना एक बार बेटा, हम लोग को सेक्शन भी याद करना, समझ में आ गया सबको ना, अब याद आ, हाँ 6-1 का एनी वन, क्या क्या बेटा, 182 डेज प्रीवियस ईयर या 60 डेज प्रीवियस ईयर प्लस
365 days 4 PPY. ये PPY क्या होता है? ये PPY, अरे जिस प्रीवियस ईयर का आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको छोड़ दो, उसके पीछे अगर हम लोग 21-22 प्रीवियस ईयर का रेसिडेंस स्टेटस डिटरमाइन करना चाहते हैं तो 21-22 विल बी करेंट प्रीवियस ईयर, छोड़ दो उसके पहले का। समझ में आ गया? नॉर्मली बेटा हम लोग को 22-23 ही मिलेगा, बट समटाइम वी मे गेट पुराना वाला भी, तो फिर वो प्रीवियस ईयर बन जाएगा, फिर उसके पहले शिफ्ट कर लेना, दैट्स इट। सो लिखेंगे एन इंडिविजुअल विल बिकम रेसिडेंट, ऐसे समझ, ऐसे लिखने सक जाएगा बेटा? बोर्ड वाला लिखने सक जाएगा क्या? ना लिखवा दे, लिखने वाला तो बुक में है ही, क्या करना है फटाफट बोलो, ऐसे लिखोगे ना डिक्टेट का वो सेंटेंस में लिखोगे, ऐसे लिख लो सेंटेंस में, तो बुक में भी लिखा हुआ है, पढ़ेंगे ही। इंडिविजुअल रेसिडेंट सेक्शन 6(1) का एनी वन देन बेटा एग्जाम्पल लिखे, इफ फेल्स टू सेटिस्फाई एनी वन, तो क्या बन जाएगा बेटा? नॉन रेसिडेंट डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ 6(1), डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ 6(1), तो क्या बन जाएगा बेटा? नॉन रेसिडेंट। एग्जाम्पल वन, Mr. X was present in India for 190 days. Mr. X was present in India for 190 days in previous year 22-23. Jaldi jaldi. Mr. X was present in India for 190 days in previous year 22-23. Dash. Kya hoga answer? Is equal to resident. Mr. X was present in India for 190 days in previous year 22-23 is equal to resident. हो गया ना? Next बेटा, Mr. X was present in India for 50 days in 22-23. Mr. X was present in India for 50 days in 22-23. 50 days in 22-23, आंसर क्या होगा? इक्वल टू नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 150 डेज इन प्रीवियस ईयर 22-23। मिस्टर एक्स वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 150 डेज इन 22-23 and
400 डेज एंड 400 डेज इन 4 पीपीवाई इन 4 पीपीवाई इज इक्वल टू रेसिडेंट. नेक्स्ट एग्जांपल, प्रीवियस ईयर 22-23 180 डेज, प्रीवियस ईयर 22-23 180 डेज प्लस 4 पीपीवाई 300 डेज नॉन रेसिडेंट. लास्ट एग्जांपल, प्रीवियस ईयर 22-23 50 डेज प्लस 4 पीपीवाई 500 डेज नॉन रेसिडेंट. डन बेटा, ये समझ में आ गया. आगे ये 182 डेज काउंट कैसे करेंगे, 60 डेज काउंट कैसे करेंगे, ये भी समझना पड़ेगा. हम लोग के लिए तो काउंट ही नहीं करना, हम लोग तो होलसेल में इंडिया पे. गोपाल भाई के लिए तो काउंट ही नहीं करना, नेपाल जाते हो, हम लोग तो होलसेल इंडिया में. ये तो उनके लिए जो इंडिया से बाहर आते जाते रहते उनके लिए काउंट करना, हम लोग के लिए काउंट करना तो शर्मिंदगी का बात है होलसेल में. आगे बेटा, जो इंडिया से बाहर आते जाते रहता है, बहुत सारे लोग हैं ना इंडिया से बाहर आते जाते, उनके लिए काउंट करना. तो काउंट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ डेज. काउंट करते समय ये मत देखना कि वो गुवाहाटी में है, ना दिल्ली में है, ना पंजाब में है, ना राजस्थान पे, सब जगह तो क्या है बेटा, इंडिया ही है. तो ये किस जगह पे है उससे मतलब नहीं है, भारत में होने से हो जाता है. और विदेश से जिस दिन आते हैं हम लोग, विदेश से जिस दिन आते हैं अराइवल डेट भी काउंट होता है, और जिस दिन फॉरेन जाएंगे वो भी डिपार्चर डे भी काउंट होगा. वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज, डेट ऑफ अराइवल इज ऑल्सो कंसिडर्ड, डेट ऑफ डिपार्चर इज ऑल्सो कंसिडर्ड. ऐसे बोला जाता है कि 24 घंटा में एक दिन होता है, 24 आवर्स ऑफ स्टे इज इक्वल टू वन डे. अगर आने जाने का टाइम नहीं दिया है तो अराइवल डेट भी वन डे हो जाएगा, डिपार्चर डेट भी वन डे हो जाएगा. बॉक्स में लिखेंगे, वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज, वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज अराइवल as well as departure, both days are considered. Both days are considered while calculating number of days, arrival and departure, both days are considered. ठीक है ना, full stop. अगर time दिया है, टाइम ऑफ अराइवल डिपार्चर दिया है, तो 24 आवर्स का स्टे विल बी वन डे. लिखेंगे, इफ टाइम इज गिवेन, टाइम इज गिवेन, देन 24 आवर्स इज इक्वल टू वन डे. टाइम्स दिया है तो 24 आवर्स इज इक्वल टू वन डे, और नहीं दिया है तो बेटा डेट ऑफ जाने का और डेट ऑफ आने का दोनों डेज काउंट होगा. ये हम लोग 6-1 कर लिए. डन बेटा, तो कब कैसे रेसिडेंट बनेंगे बेटा, इंडिविजुअल सेक्शन भी बोलना पड़ेगा. 6-1 का एनी वन, क्या क्या था 6-1 का एनी वन, 182 डेज प्रीवियस ईयर या 60 डेज प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज 4 पीपीवाई. डन, आइए अब इस बात को हम लोग किताब से भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स करेंगे दिन गिनती करने का. फिर आपको ना क्लास 5-6 में मैम सिखाई थी ना बेटा, जनवरी में 31 दिन,
फेब्रुवरी में 28 डेज, मार्च में बोला डेज चाहिए होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, कैलेंडर देखना पड़ेगा, मोबाइल खोलना अलाउड नहीं है। रेसिडेंट इन इंडिया, जल्दी 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 पढ़ लियो। पेज 27 मिला बेटा। अंडर सेक्शन 6(1) एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशंस। ही हैज बीन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर, और ही हैज बीन इंडिया फॉर 4 years immediately preceding previous year, total 365 days or more, and has been India for 60 days in relevant previous year. समझ में आ गया? If an individual fails to satisfy any one of the above basic two conditions, he will be non-resident. Then बेटा exceptions अभी नहीं पढ़ना है, exceptions अभी नहीं पढ़ना है, आगे चलेंगे। page number 29. 29 some important points mila beta, bolo beta. Point B, it's not necessary that period of stay must be continuously or active, not essential that the stay should be at the usual place of residence, business, employment. Zaruri nahi hai ki ek hi jagah rehna hai, kahi bhi raho. India mein aap ek bar aaye 50 din rahe chale gaye, fir aaye isi saal फिर 50 दिन रहे, तो सबको जोड़ेंगे। ऐसा कंटिन्यूसली होना, और गुवाहाटी में रहेंगे और ऑफिस के सामने ही रहेंगे, घर पे रहेंगे, ऐसा होटल में भी रहने से इंडिया ही है। फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ डेज बोथ डिपार्चर एज वेल एज अराइवल डेट कंसीडर्ड इंडिया पे। तो इंडिया क्या है? इंडिया जल थल वायु सब जगह तो इंडिया है ना बेटा, बोल। थल तो है ही, जल और वायु भी तो होता है, तो जल पे कैसे होता है देखो। The term stay in India includes stay in territorial water of India. India के पानी में भी है ना, होता है ना कि वो समुद्र उस साइड श्रीलंका है, इस साइड इंडिया है, तो वो बीच में इंडिया का टेरिटोरियल वाटर, वहाँ भी रहेगा तो भी इंडिया है। तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, समुद्र में इंडिया का जहाँ तक एरिया है उसे, वो होता है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम सी इन टू द सी फ्रॉम इंडियन कोस्ट लाइन। तो ध्यान रखना 12 नॉटिकल माइल्स, समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है टेरिटोरियल वाटर, ठीक है ना। पानी में रहेंगे, हवा में भी रहेंगे, धरती पे भी रहेंगे, सब इंडिया इंडिया। चलो अब हम लोग सम करेंगे, फिर से बोलो बेटा। दो तरीका से आप किसी को पकड़ के रेसिडेंट बना सकते हो, क्या क्या तरीका है बेटा? सेक्शन 1 ऐसे बोलेगा, 6(1) का एनी वन 182 days in previous year, या 60 days previous year plus 365 days for PPY. फिर क्या बोलेंगे? 6(1) का, फिर से बोलो, 6(1) का एनी वन 182 days in previous year, या 60 days previous year plus, थोड़ा जोर से बोलना, 365 days for PPY. Yes. While calculating number of days, देख लेना। शुरू करते हैं हम लोग टैक्स का प्रैक्टिकल नंबर 1, पेंसिल वर्क। हाँ, अभी हम लोग पूरा सीखे ना हाफ सीखे, हाँ, क्योंकि रेसिडेंट बनने के बाद फिर आप ROR RNOR भी तो बनोगे ना, तो वो हम लोग तो अभी थोड़ा बाद में सीखेंगे, इसलिए पेंसिल से मैट में ही लिखेंगे, कॉपी में नहीं लिखना है। मैं एक बताता हूँ और दो तीन आप लोग करना। मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन, सिटीजन आप कहाँ का हो, अमेरिका का, इंडिया का, रेसिडेंट स्टेटस से कोई कनेक्शन नहीं है। आप इंडियन सिटीजन हो, ब्रिटिश सिटीजन हो, चाइनीज सिटीजन हो, पाकिस्तानी हो, इंडिया में रुक गए 182 डेज, आप इंडिया के रेसिडेंट। सो देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और रेसिडेंसी, वो अलग है सिटीजन, बस 180 डेज। एक्स एन इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया, इंडिया छोड़ के 14 दिसंबर 2022 को गया यूएसए के लिए, लिव्स इंडिया, अंडरलाइन करना इतना, इंडिया छोड़ के 14 दिसंबर को गया and not return till 31st March 23 तक return नहीं हुआ। Determine resident status for assessment year 23-24. तो बेटा assessment year 23-24
24 के लिए प्रीवियस ईयर 22-23 होगा ना, प्रीवियस ईयर 22-23। तो प्रीवियस ईयर 22-23 शुरू होता है कब से बेटा? अप्रैल से। बोलो बेटा, वाह कैलेंडर याद है। हाँ यस, जनवरी फरवरी मार्च। अब देखो अप्रैल से गिनती करो, वो कब चला गया इंडिया से? 14 दिसंबर को गया ना, दिसंबर में थोड़ा प्रॉब्लम है। अप्रैल में कहाँ था वो? अप्रैल में इंडिया में, इंडिया कितना दिन? 30 डेज। अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31, इंडिया में था जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, जुलाई अगस्त दोनों 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30। अब रुको, आराम से। दिसंबर 14 को तो चला गया ना, तो एक तारीख को था, दो तारीख को था, तीन तारीख को था, दस तारीख को था, ग्यारह तारीख को था, ट्वेल्व को भी था, थर्टीन को भी था, फोर्टीन को भी था। तो दिसंबर में कितना दिन? 14 डेज। जनवरी में आया नहीं, फरवरी में आया नहीं, परी देख रही आया क्या? नहीं आया बेटी, मार्च में आया नहीं। देखो टू फिफ्टी एट डेज था वो इंडिया में। तो ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब हम लोग एक घंटा के बाद कॉपी में लिखने लायक बनेंगे, अभी नहीं बन पाए। अगर टेम्प्रोरी कहीं लिख के रखना है तो रखो। ये हमारा आंसर का फर्स्ट पार्ट हो गया, और आर ओ आर के लिए फिर सेकेंड पार्ट भी देख कर फिर सम में घुस सकते हैं। तो पेंसिल वर्क उधर ही करके रख लो, एक बार हेल्पफुल हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? बुक पे जाएगा तो रफली कॉपी में लिख लेना। कॉपी में हम लोग पूरा भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें आर ओ आर आर एन ओ आर भी करने के बाद ही तो काम कंप्लीट होगा। क्या ये पेंसिल से क्या लिख लिया? वो रेसिडेंट है। कितना दिन स्टे किया इंडिया में? 258 डेज। डन। रेसिडेंट होने के बाद वो आर ओ आर भी हो सकता है, आर एन ओ आर भी हो सकता है, वो चेक करेंगे हम लोग थोड़ा सा बाद में, दो चार एग्जांपल्स कर लेते हैं। और आइए P2। मिस्टर एक्स अमेरिकन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, अंडरलाइन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए, 14 फेब को गोवा जाएंगे। ओके, 14 February 23 एंड वॉज प्रेजेंट इन इंडिया अप टू मार्च 23 तक था, है ना बेटा? बोलो बेटा। तो ये देखो बोर्ड पे हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 है। अप्रैल में थे क्या वो? नहीं थे। मई में थे क्या? जून में, जुलाई में, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं, जनवरी नहीं। 14 फेब को आ गए,
तो 14 फेब से शुरू करो, कब से? फेब्रुअरी 23, तो 28 डेज का होगा, लीप ईयर तो नहीं है ये, तो 14 तारीख से शुरू करो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कितना? 15 डेज, हाँ, वेरी गुड। फेब्रुअरी में कितना दिन थे? 15 डेज, देन और मार्च में 31, 46। तो पहला वाला तो 61 का पहला वाला तो पास नहीं किए, पहला 182 डेज था, सेकंड वाला पास किया क्या? देखो सेकंड वाला में क्या था, 22 23 में 60 दिन, तो 60 दिन तो है ही नहीं, तो और 365 देखने का जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएंगे? नॉन, इसका आंसर लेकिन पूरा हो गया, हम लोग लिख सकते हैं लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। अरे नॉन रेसिडेंट हो गया तो डन ही है ना, समझा मेरा बात? जो नॉन रेसिडेंट हो गया उसमें तो फिर वो आर ओ आर आर एन ओ आर का कंसेप्ट नहीं है ना, तो ये आंसर डन हो गया, बट लिखेंगे अभी नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे। बेटा 3-4 आप लोग कर लो ना, आपका दिमाग का ग्रोथ हुए। ओए कोई दिमाग लगा P3 में। लेफ्ट इंडिया 15 जुलाई को एंड नॉट रिटर्न्ड, तो 15 जुलाई को गया, बोलो बेटा। शुरू हमेशा अप्रैल से करना, अप्रैल में था क्या? बोलो बेटा, हमेशा अप्रैल से शुरू करना, बीच से शुरू नहीं करना। 30 मई में 31, 30 और 15 जुलाई को गया ना, तो जुलाई में 15 दिन ही था क्या? अगस्त नहीं था, आया ही नहीं ना बाद में, 1, तब तो वो सेकंड क्राइटेरिया में फंस सकता है ना, 60 डेज प्रीवियस ईयर और 365 डेज 4 PPY। अब 4 साल, पिछले 4 साल का नाम बोलो ना बेटा, 21, 22, 20, 21, 19, 20, 18, 19, 3, 40 days, oh, non-resident बन गया, done, done, very good, बहुत अच्छा। Suppose in above problem, Mr. X was present in India for 150 days in 21-22, इसमें 150 days थे वो, तो P3 का आंसर लिख लिया, non-resident, ऐसे लिख लिया, previous year 106 days, 4 PPY 340 days, आंसर लिखते समय मेरे को help हो जाएगा, okay, अब यहाँ पे 150 दिन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 106 days previous year plus क्या बन जाएंगे,
रेसिडेंट, यस वेल डन, एज गुड यू डन, क्लियर। चलो फिर से एक बार गुनगुनाओ, रेसिडेंट कैसे बनेगा। 6-1 का एनी वन, 182 डेज प्रीवियस ईयर या 60 डेज प्रीवियस ईयर प्लस, थोड़ा जोर से बोलना, 365 डेज फोर PPY, टेन। आगे बढ़ो, ऑल वेल, डेज कैलकुलेट करना सीख गए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एग्जाम में 5-5 नंबर का आ सकता है। आइए, जब आप रेसिडेंट बन गए हैं इंडिया के, जब आप रेसिडेंट बन गए हैं इंडिया के रेसिडेंट, तो रेसिडेंट बनने के बाद आप ROR भी बन सकते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे 6-6 का दो कंडीशंस दिया है, दोनों को सेटिस्फाई कर देंगे। 6-6 का दो कंडीशंस दिया है, दो कंडीशंस, दोनों को आप पास कर देंगे तो बन जाएंगे ROR, और दोनों में से किसी एक को किया, किसी एक को नहीं किया, या दोनों को ही नहीं किया तो आप बन जाएंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। याद रखिएगा, आप 6-1 को पास कर चुके हैं तो आप क्या बन गए? रेसिडेंट। अब 6-6 का दोनों को हिट कर लेंगे तो ROR बन जाएंगे, डन बेटा। और 6-6 के लिए ना प्रीवियस ये नहीं देखते, PPY देखते। टाइम हो गया, ध्यान से देखना बेटा, 7 PPY में 730 days और मोर, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, कितना बेटा? 7 PPY में, 7 PPY में 730 days और मोर इंडिया में रह गया, प्लस दो कंडीशन है, 7 PPY में 730 days और मोर, और दूसरा भी करना पड़ेगा, 10 PPY में 2 बार रेसिडेंट, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 बार रेसिडेंट, बस खत्म बेटा ये कोटा। अगर कोई रेसिडेंट बन गया उसके बाद पिछले सात साल में गिनती करेंगे वो भारत में कितना दिन था, 730 डेज और मोर हो गया, और पिछले 10 साल में देखेंगे कितना बार रेसिडेंट था, कितना बार रेसिडेंट था, एटलीस्ट 2 बार रेसिडेंट हो गया तो वो बन जाएगा ROR। तो रेसिडेंट कैसे देखते बेटा, रेसिडेंट कैसे देखते, रेसिडेंट, अरे रेसिडेंट बनने के लिए 6-1, और दोनों को पास नहीं किया, एक को किया एक को नहीं किया, तो बेटा मतलब इसको किया इसको नहीं किया तो क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट, RNOR, इसको नहीं किया इसको किया तो भी क्या बन गया? इसको भी नहीं किया इसको भी नहीं किया, और बोथ को कर लिया तो ROR। समझ में आ गया? तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23। अब 10 साल का नाम बताओ, धीरे धीरे बोलना, 21-22, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना, अभी ठीक है, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, भैया 1000 बार मत बुला देना, 10 बार, 13-14, 12, और बोलोगे? ठीक है, 1
दो तीन चार पाँच छः सात। ये 7 PPY में कितना दिन, 730 डेज सब मिला के, किसी महीना किसी साल 50 दिन, किसी साल नहीं आया, किसी साल 100 दिन, सब मिला के 730 डेज रह गया। और एक है, और ये 10 साल में ये 10 साल में 10 preceding previous year में रेसिडेंट है था इंडिया में कितना बार, 2 times रेसिडेंट, 2 times। और रेसिडेंट बनने के लिए क्या करेंगे, 6-1 का any one क्या था, 1 days previous year या 60 days previous year plus 365 days for PPY। अब यहाँ पे थोड़ा तकलीफ होता है हर एक साल का, पिछले साल का जाके चेक करना, तो कर लेंगे हम लोग, डन बेटा। ये है मेन इंडिविजुअल का, इसमें 2 पॉइंट और प्लस हो जाएंगे और आपका रेसिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल खत्म हो जाएगा। सो अ रेसिडेंट विल बिकम ROR इफ ही सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस ऑफ 6-6, दैट इज 730 days in 7 PPY, 7 PPY में 730 days, and 10 PPY में 2 बार resident, that is 6-1। resident बोलने से वो बोलना नहीं, तो फिर डैश हो जाएंगे, फिर से बोला 10 PPY में 2 बार resident, that is 6-1 का एनी वन, 182 days प्रीवियस ईयर या 60 days प्रीवियस ईयर प्लस 365 days फोर PPY। एक बार और, फिर उसके बाद हम लोग सम्स में आएंगे। रेसिडेंट ROR कैसे बनेगा, 6-6 का बोथ, दैट इज 7 PPY में 730 days एंड 10 PPY में 2 बार रेसिडेंट, स्टैटिस्टिक्स 1 का एनी वन, 182 डेज प्रीवियस ईयर या एंड नो या इंग्लिश ने या 60 डेज प्रीवियस ईयर एंड 365 days for PPY, that's it। और 2 पॉइंट समझाना है, रटाना है, इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चले लिखें, पहले इसको लिखेंगे, समझ गए आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर किताब पढ़ेंगे, फिर वो बड़े बड़े सम्स थे ना उसको लिखना शुरू कर देंगे। तो बेटा हम लोग ना उसी में अभी ना इंडिविजुअल चलते रहेगा, लंबा चलेगा, तो लिख लेना पहले रेसिडेंट लिखकर, फिर 2 एरो मार देना, रेसिडेंट लिखकर 2 एरो मार देना, रेसिडेंट लिखकर 2 एरो मारना। जैसे रिक्टेट कर रहा हूं मैं वैसे लिखना, एक में ROR लिखना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और एक में RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ROR के नीचे लिखना सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस ऑफ 6-6, सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस ऑफ 6-6, सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस ऑफ 6-6, और यहां पे डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस, डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस टुगेदर, मैं दोनों एक साथ नहीं कर रहा है, समझा ना बेटा।
डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस. बेटा आपको नहीं समझ में आ रहा है, 6-6 में बोथ द कंडीशंस को होना पड़ेगा और बाकी सब केस में आर एन वार, एक करेगा दूसरा नहीं करेगा, दोनों नहीं करेगा, आर एन वार. 6-6 को ध्यान से सुन लेना बेटा, आर ओ आर को ध्यान सुनना, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ करेगा तो आर ओ आर, बाकी सब केस में आर एन वार. ठीक है, इसको बोलते हैं कि दोनों एक साथ नहीं करना. आपको जैसे समझना है समझ लो, डन. अब 6-6 का कंडीशंस लिख लो, कंडीशंस ऑफ 6-6, 730 डेज और मोर इन 7 PPY, रेसिडेंट 2 टाइम्स आउट ऑफ 10 PPY, रेसिडेंट 2 टाइम्स आउट ऑफ 10 PPY, जहां रेसिडेंट डालोगे एरो मार देना 6-1, जहां रेसिडेंट डालेंगे एरो मार देना 6-1. हो गया बेटा. अब ये 10 साल का नाम लिखकर भी इधर भी एक बार ऐसे लिख दूं, आज सैटरडे है ना, ये हो गया सबका. डन. डन बेटा, ये आइए बुक में आएंगे बेटा. पेज नंबर 29 पे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मिला बेटा. इफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस ऑफ 6-6, बोथ द कंडीशंस ऑफ 6-6, ही और सी विल बिकम आर ओ आर. ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 PPY. पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट. ही हैज बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 PPY. 730 डेज और मोर इन 7 PPY. तो क्या बन जाएंगे बेटा, आर ओ आर. डन. आर एन ओ आर कब बनेंगे, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल बिकम आर एन ओ आर इफ सच इंडिविजुअल फेल्स टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस ऑफ 6-6. एक करने से नहीं होगा, दोनों ही, दोनों को एक साथ नहीं किया तो क्या बन जाएंगे, आर एन वार. लास्ट टू लास्ट ईयर रेसिडेंट स्टेटस में कुछ अमेंडमेंट आया, ये बहुत अमीर अमीर लोगों को रिलेटेड है, जिनका इनकम 15 लाख से ऊपर है, थोड़ा सा गलत फ़ायदा उठाते हैं हम लोग रईस लोगों को पकड़ने के लिए, तो उस पर हम लोग ना थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे. डन बेटा. और भी 2 क्राइटेरिया है,
मतलब इंडिया में नहीं रहने से भी रेसिडेंट माना जा सकता है, वो बहुत रईस लोगों को पकड़ने के लिए, किसके लिए, रईस मतलब इंडिया में भी टैक्स नहीं देते, बाहर भी नहीं देते, गजब लोगों के लिए, दैट इज अमीर लोगों के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, हो गया। अब प्यार से आप लोग एक बार 6-1 याद करा दो, 6-6 याद करा दो, और फिर उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, और फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन था ना, अब टन 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 1 2 3 4 5 6 7 करने लगेंगे, और उसमें छोटा छोटा पॉइंट एड करते रहेगा, बेस यही है। तो रेसिडेंट कब बनेगा बेटा, से प्यार से बोलो, 6-1 का anyone 182 days previous year या 60 days previous year, थोड़ा जोर से प्लस एंड वेंट बोलेगे तो भूल जाएंगे, मजाक करें, 365 days 4 PPY, दोनों में से कुछ भी नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट, और रेसिडेंट हो गया। एक रेसिडेंट बनने के बाद फिर आप क्या बनेंगे, आर ओ आर बनेंगे या आर एन ओ आर, कैसे बनेंगे, आर ओ आर 6-6 का बोथ 7 PPY में 730 days एंड 10 PPY में 2 बार रेसिडेंट, दैट इज 6-1 का anyone 182 days प्रीवियस ईयर या 60 days previous year plus 365 days 4 PPY, पूरा ऐसे टैक्स हटाएंगे, पूरा इनकम टैक्स GST, बाद में थक जाते अलग बात है, बट मेजोरिटी ऐसे हटाएंगे। अब मैं बच्चों बच्चों एग्जांपल देता हूँ, ट्रिंग टिंग टिंग, उसके बाद बड़े बड़े सम्स करेंगे, लिखेंगे, मिस्टर एक्स रेसिडेंट, मिस्टर एक्स ब्रैकेट में रेसिडेंट, देख लिया बेटा, इसके नीचे क्वेश्चन 1, 800 days इन 7 PPY, 800 days इन 7 PPY एंड रेसिडेंट 3 out of 10 PPY, रेसिडेंट इन 3 out of 10 PPY, आंसर दीजिए इज इक्वल टू आर ओ आर, डन बेटा, बेटा डन, कितना डेज बोला था, 800, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन 700 क्रेडिट कर दो, बाकी सब सेम, 700 days प्रीवियस ईयर प्लस 3 out of 10 PPY, रेसिडेंट 3 out of 10 PPY, तो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट नहीं बेटा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, डन बेटा। कुछ इसी में तीसरा नंबर पॉइंट, 800 in 7 PPY, 800 in 7 PPY plus resident 1 out of 10 PPY, RN or tough नहीं, आसान है तो बेटा, tough तो नहीं लग रहा है ना बच्चा ग्रुप, आगे अब resident in 1 out of 10 PPY, और एक example, 4 example बनेगा इसमें, 500 in 7 PPY, 500 in 7 PPY plus resident 1 out of 10 PPY, ये तो दोनों ही नहीं किया, समझ में आ गया ना बेटा, आर एन वर, तो बेटा आर्यन वाल लिख लिया। अब हम लोग वी आर रेडी फॉर सम्स, हाँ सुनो, सम्स करते समय, सम्स करते समय ओनली 6-1 को चेक करते समय मेहनत करना पड़ता है, 6-6 को चेक करते समय मोस्टली मेहनत नहीं करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे लिख देता है वो इंडिया से पहली बार गया,
या इंडिया में पहली पहली बार आया, दो टर्म लिखा रहता है, इंडिया से पहली पहली बार गया, तो इस साल के पहले तो होलसेल में था, बोलो बेटा, तो फिर 6-6 तो कर ही लेगा सेटिस्फाइड। फर्स्ट टाइम इंडिया से गया, समझो ना बात को मेरा, समझ रहे हो, फर्स्ट टाइम इंडिया से कोई बाहर गया तो उसके 21-22 तक तो होलसेल में था, तो 6-6 ऐसे ही सेटिस्फाइड। और दूसरा लैंग्वेज, फर्स्ट टाइम केम टू इंडिया, तो फर्स्ट टाइम केम टू इंडिया आप 6-1 वाला जो करना है कर लो, 6-6 में तो दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, आर इन वार होगा, वैसे ही हम लोग शॉर्टकट भी मार देंगे, डन। और बाकी के केस में जब बोलेगा या आया गया तो कैलकुलेट करेंगे। तो P1 को तो आपने डन कर दिया था, रेसिडेंट का ठप्पा लगा दिया था, है ना बेटा, लगा दिया था क्या? अब आराम से इंडेक्सिंग करो, हाँ, P1 में लिखो कॉपी 1 पेज दिस, और कॉपी में पेज नंबर इंडेक्सिंग करो अच्छी तरह से। तो एक्स एन इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन 14 दिसंबर को गया, तो उसके पहले के बारे में कुछ नहीं बोला, इंडियन सिटीजन है पहले के बारे में कुछ नहीं बोला, तो वो तो देवराज है, वो तो यमन है, वो तो गोपाल भाई रामरोचा है, तो होलसेल में ही थे, वो तो रमेश गुप्ता है, होलसेल में था, तो 6-6 का कर लिया, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आगे चलकर, आरओआर बन जाएगा ना। अब इसको बढ़िया से लिखाता हूं, और सुनो, लिखते समय आप लोग अपने ही लैंग्वेज लिखना, अपने ही मन से लिखना, सेक्शन याद रहे तो लिखेंगे, नहीं रहे तो नहीं लिखेंगे, सेक्शन लिखने से नंबर बढ़ता नहीं है, रॉन्ग लिखेगा तो नंबर कटेगा, लेकिन जो सेक्शन मैं याद कराता हूँ वो लिखो अच्छा है, थोड़ा सा इम्प्रेशन बनता है। और मैं बस पूरे टैक्स में ही 50-60 सेक्शन ही रटाऊंगा जो मेरे को लगता है इम्पॉर्टेंट है, डैट इफ़ यू कैन रिमेंबर इज़ गुड, और इफ़ यू कॉन्ट तो अच्छा बात है, मत करो, फुल मार्क्स मिलेगा। लैंग्वेज चेंज होते रहेगा, लैंग्वेज पे छापने का कोशिश नहीं करना, सिर्फ बात को वैसे रखना। तो मैं एक दो आइडिया दे देता हूँ लिखने का, आपको दो आइडिया मिलेगा लिखने का, एक तो मैं लिखाऊंगा और एक सी इंस्टीट्यूट का मैट हम लोग करने लगेंगे अभी चैप्टर से, वहाँ भी लिखने का, तो दोनों को देख लेना, किसी को छापने का कोशिश मत करना, डोंट मेमोराइज इट, बस कंसेप्ट समझ में आ गया, टूटा फूटा इंग्लिश ही लिख दो अगर इंग्लिश नहीं आता अच्छा से तो, और आता है तो अच्छा, बड़ा हाई फाई इंग्लिश मत लिखना कि देखने वाले को डिक्शनरी लेना पड़े। तो एकदम सिंपल इंग्लिश, योर ओन लैंग्वेज, बुक किस लैंग्वेज नहीं चाहिए, ना मैं जो लिखाऊंगा वो नहीं चाहिए, बस वही 182 डेज आ जाना चाहिए, 63-65 डेज आ जाना चाहिए, 7 साल में 730 डेज, और वो 10 बार में 2 बार ऐसे बस, और कोई भी इंग्लिश छापने ओपने का कोई जरूरत नहीं है। दो जगह से पढ़ोगे, एक मैं लिखाऊंगा और एक स्टडी मेट, दोनों जगह से मिलाकर और आप लोग अच्छा से लिख लोगे। ऐसा नहीं सुना CA का कोर्स है, टैक्स लॉज है, पूरा हाई फाई इंग्लिश सेक्शन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। यस, और रेसिडेंट स्टेटस में हमेशा दो 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 कैलकुलेशन करना पड़ता है, पहले 6-1 का, पहले करेंट ईयर का दिखाना होता है, वो होने के बाद फिर सेकेंड पैरा में हम लोग 6-6 दिखाते और थर्ड पैरा में लिख लेते उसका स्टेटस क्या होगा। स्टार्ट करें बेटा, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23 मिस्टर एक्स वाज प्रेजेंट इन इंडिया, Mr. X was present in India for कितना दिन था बेटा? For 258 days. Mr. X was present in India for 258 days.
इसको आपको 250 डेज कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, या तो वहीं पे ब्रैकेट में दिखाएंगे या अच्छी तरह से कैलेंडर बना लेंगे, आपको जो मर्जी। क्या चाहोगे, कैलेंडर बनाना ना ब्रैकेट में दिखाना, जिसको जो मर्जी। 258 डेज, ठीक है ना, फुल स्टॉप लिख लेना और दिखा देना। अप्रैल इज इक्वल टू 30 था ना बेटा, अप्रैल 30, हाँ ब्रेक, जिसको जैसे मर्जी, या तो टेबल बना देगा जैसे मैं बनाया हूँ, या ब्रैकेट में अप्रैल 30 डेज प्लस, जो टेबल बनाएगा वैसे लिखेगा बोर्ड वाला, और जो टेबल नहीं बनाएगा ब्रैकेट में अप्रैल 30 डेज लिख दिया प्लस मई 31 डेज प्लस जून 30 डेज। बेटा दो ऑप्शन है परी, एक तो बोर्ड वाला ऑप्शन और एक उन लोग के लिए ब्रैकेट वाला ऑप्शन, तू क्या कर रही है, तो तुम अपने हिसाब से करो। तो क्या लिखा बेटा, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज प्लस अगस्त 31 डेज प्लस सितंबर 30 डेज प्लस अक्टूबर 31 डेज प्लस नवंबर 30 डेज प्लस दिसंबर 14 डेज। फिर से डिक्टेट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23 मिस्टर एक्स वाज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 258 डेज, फुल स्टॉप। हो गया ना, लिख लिया बेटा। नेक्स्ट लाइन इसी में लिखेंगे, ही सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ 6-1, ही सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ 6-1, हाँ सेम पैरा, ये फर्स्ट पैरा का ही चलेगा। He is satisfying first condition of 6-1. Because he was present in India for 182 days or more. Because he was present in India for 182 days or more. In previous year 2022-23, in previous year 2022-23, full stop। अब अपना जजमेंट देंगे, तो रेसिडेंट है ना, इसी में लिखेंगे। Therefore, Mr. X is resident in India. Therefore, Mr. X is resident in India. For assessment year 23-24, ये फर्स्ट पैरा खत्म। फर्स्ट पैरा में हमने लिखा बेटा कि वो 22-23 में 258 डेज था, सो 6-1 का कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन 182 डेज और मोर वाला सेटिस्फाई कर दिया, देयरफॉर ही इज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। डन बेटा, जब कोई रेसिडेंट बन जाता है तो ये भी तो डिसाइड करना है कि आर ओ आर है ना आर एन ओ आर। अब सेकेंड पैरा शुरू करेंगे, सुन लो क्या लिखेंगे। मिस्टर एक्स तो अभी कुछ नहीं बोला, तो पहले बार ही गया, एज्यूम कर लेंगे कि वो मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। He is satisfying both the conditions of 6-6, that is, he was present. अभी लिखना नहीं, पहले माहौल बना लेते हैं, क्योंकि आगे तो आपको ही करना नहीं कि जिसको मैं कितना बार लिखाऊंगा। Since Mr. X left India on 14 December 22, उसके पहले तो नहीं बोला ना, तो he is satisfying both the condition of 6-6, that is, he was present in India for 730 days or more in 7 PPY. And he was resident of India for at least 2 out of 10 PPY. वो कैलकुलेट करना नहीं है आपको, बट प्रोविजन लिखना है। 5 नंबर मिलेंगे तो प्रोविजन लिखने के ही 2.5 नंबर मिलेंगे। मेन तो थीम प्रोविजन पे, आंसर तो कुछ नहीं, आंसर तो ऐसे ही है। तो 5 में अगर 2.5, 2-3 मार्क्स तो प्रोविजन्स के मिलेंगे, और बाकी के लिए मिलेंगे आपको 2 नंबर।
क्योंकि प्रोविजन ही तो इंस्टीट्यूट चेक करता है कि आपका क्लियर है कि नहीं। प्रोविजन क्लियर है तो आगे तो हो ही जाएगा। कैलकुलेशंस के लिए कम मार्क्स मिलता है, कंसेप्ट्स के लिए ज़्यादा मिलता है। समझ में आया बेटा? तकलीफ तब होता है ना जब कोई बदमाशी लोग होता है, आते जाते रहते, दिमाग खाएंगे, वो भी खाएंगे ब्रेक के बाद, बट अभी तो एकदम सस्ता सुंदर वाला काम करते हैं। चलो लिखते हैं सेकेंड नेक्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा। मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया ऑन 14 दिसंबर 2022। मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया ऑन 14 दिसंबर 2022। सो ही सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस ऑफ 6-6। सो ही सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस ऑफ 6-6। दैट इज ही वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 730 days और मोर। That is, he was present in India for 730 days or more in 7 PPY. And was resident. And was resident in India for at least two out of 10 PPY. Then बेटा at least two होने से हो जाता है, दो से तो ज़्यादा ही होगा। पूरा प्रोविजन लिख दिया ना, अब आंसर लिखेंगे एकदम फाइनल आंसर। क्या लिखेंगे, क्या होगा? Therefore, Mr. X क्या होगा बेटा? Is resident and ordinary resident, ठीक है, for assessment year 23-24. Therefore, Mr. X is resident and ordinary resident for assessment year 23-24. डन। P1 कंप्लीटली डन। P2 में चले बेटा, P2 में चले। P2 के लिए आपने क्या डिसाइड किया था? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट तो चैप्टर ही क्लोज हो गया ना। नॉन रेसिडेंट है तो 6-6 का तो चक्कर ही नहीं है, इसमें तो कुछ बोल के फायदे नहीं है। तो वो आंसर जो लिखे थे ना, उसी को मैं भी अच्छी तरह से लिखा देता हूँ। देखो तो 106 दिन बोला था क्या? हाँ, ये दूसरा आंसर है क्या? ओके ओके। P2 में कितना दिन था? 46 days। सुनो ध्यान से, हम लोग 6-1 पे ही फोकस रहेंगे, 6-6 तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे ना। तो बेटा देखो, मिस्टर एक्स वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर ओनली 46 days, तो ही इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी कंडीशंस ऑफ 6-1 बिकॉज ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 days और मोर, एंड ही वॉज नॉट प्रेजेंट फॉर 60 days इन प्रीवियस इन 365 इन 4 PPY, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन तो करेगा नहीं, सेकेंड कंडीशन भी नहीं कर रहा है। इज नॉट सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन, ई कैन नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि 182 days नहीं है और सेकेंड भी नहीं है। क्लियर बेटा? तो इज नॉट रेसिडेंट। फाइन, सो लिखेंगे बेटा आंसर P2। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23, during previous year 22-23, Mr. X was present in India for 46 days. Mr. X was present in India for beta 46 days, bracket में या नीचे लिख लेना February। मिस्टर एक्स वॉज प्रेजेंट इंडिया फॉर 46 days, फेब्रुवरी 15 days प्लस मार्च। बेटा आप टेबल बनाओगे तो प्लस साइन नहीं चाहिए, जो बॉक्स बनाएगा वो प्लस साइन लिखेगा। मार्च 31 days,
46 डेज है ना, तो लिखेंगे बेटा फुल स्टॉप के बाद, मिस्टर एक्स इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी वन, मिस्टर एक्स इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी कंडीशन ऑफ 6-1, दैट इज 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 PPY, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पैरा, फाइनल आंसर. Therefore, Mr. X is, non-resident. Mr. X is non-resident for assessment year. सब में 23-24 होगा बेटा. अगर किसी कारण से 23-24 के अलावा कुछ और लिखा है प्रेरणा के मैट में ना, तो मिसप्रिंट हो जाता है ईयर चेंज करने में, मेरे को बता देना, ठीक है? कि हर एक साल चेंज करना पड़ता है ना, कभी मिस हो जाता है टैक्स के बुक में, ईयर में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. देन बेटा P2, P3, P4 तक कर लिए थे ना हम लोग, वो करेंगे. उसके बाद हम लोग ब्रेक ले लेंगे, फिर नया क्लास शुरू होगा ना, उसमें थोड़ा सा इफ देन करके 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट को कर लेंगे, तो रेसिडेंशियल का इंडिविजुअल ख़त्म, और पूरा एक घंटा में ना बाकी का सब खत्म हो जाता है. बट ये चैप्टर ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा. देन बेटा और P3 भी आप लोग कर लिए थे ना, क्या बोले थे P3 में? नहीं, पहले नॉन रेसिडेंट भी ज़्यादा बोलना नहीं, ये था क्या बेटा 106 दिन वाला था क्या? क्या बोला? ओके 106, ओके ये भी है ना, लिखेंगे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23, एक्स वाज प्रेजेंट इन इंडिया, फॉर 106 डेज, ब्रैकेट में April 30, May 31, June 30, July 15, bracket close, and in 4 preceding previous year, he was present in India for 340 days. (21, 22) = 70 days. ब्रैकेट में नीचे तो नीचे कैसे भी लिखो, 21, 22, 70 days, 20, 21, 100 days, 19, 20, 50 days, 18, 19, 120 days,
because he was not present in India for at least 182 days in previous year 22-23. He is not satisfying any condition of 6-1 because he was not present in India because he was not present in India for 182 days or more in previous year 22-23 or 60 days in previous year 22-23 and 365 देवराज भी एडिक्टेड कर लगता वही टीचर बन गए एंड 365 डेज इन 4 PPY प्रवचन लिख दिया बेटा. अब नेक्स्ट पैरा में फाइनल आंसर. देयरफोर मिस्टर एक्स इज नॉन रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24. Then, okay, 3 भी हो गया. 4 में आए क्या? 4 में क्या बोल दिया था आप लोगों ने? मतलब वो 6-1 का सेकंड कर रहा है ना बेटा? तो वो तो रेसिडेंट तो बन जाएगा ना. और लेफ्ट 15 जुलाई को. ओके, इसका आगे का पूरा हिसाब किताब पता नहीं कैसे क्या है. 3 को हम लोग अभी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट करके छोड़ देंगे कि 4 को, क्योंकि उसके आगे हम लोग को पता नहीं. मतलब वो तो 15 जुलाई को गया ना, पहले भी प्रेजेंट था इंडिया पे इतना. मतलब वो वैसा एग्जाम्पल नहीं बनाया जिससे हम लोग 6-6 को कर पाए. ये तो एग्जाम्पल सम्स है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, समझा बेटा. इसमें हम लोग रेसिडेंट बोल के छोड़ देंगे. क्या बोल के छोड़ देंगे? रेसिडेंट. 6 रेसिडेंट बनने के बाद 6-6 भी चाहिए होता है. तो मैंने ये एग्जाम्पल बनाते समय ऑनली रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को ध्यान पे रखा था, आरओआर को नहीं रखा था, क्योंकि वो 15 जुलाई को गया, पहले इंडिया में प्रेजेंट था, तो उसके पहले क्या था वो सब कुछ पता नहीं है. तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, समझा ना. सो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये, इसलिए वो रेसिडेंट है बोल के मैट पे लिख के छोड़ दो. दिस इनकम्प्लीट क्वेश्चन, ऑनली रेसिडेंट है, आरओआर चेक नहीं कर. आप समझ रहे हो मेरा बात? क्या समझे? हाँ, और पूरा नहीं देखना है. क्यों? हाँ, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है. एग्जाम में वैसा नहीं आएगा, टेंशन मत लेना. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा P7 जैसा. अब P7 और P8 आप लोग आराम से P7 पढ़ो, पढ़ के फाइनल आंसर सोच के पेंसिल से लिख दो, फिर मैं डिक्टेट कर दूंगा आंसर. P7 को पढ़ो पूरा फाइनल आंसर तक, हाँ, ROR RNOR तक, फिर मैं लिखा दूंगा. अभी लिखने का टेक्निक आप लोग को डेवलप करना है. P7 P8 दोनों.
सेवन का आंसर आया क्या बाजार में? मिस्टर टी लेफ्ट इंडिया फॉर जर्मनी फॉर द फर्स्ट टाइम 2011 में, बहुत पुराना बात है. क्या ओ आंसर बता रहा है क्या? रुको. ड्यूरिंग 22-23 ही केम टू इंडिया ऑन 16 अगस्त, स्टेट इन दिल्ली अप टू 31 दिसंबर, गुवाहाटी. ईयर वगैरह ठीक है ना? ईयर में ना थोड़ा सा गड़बड़ उड़बड़ मिल सकता है, आप लोग नोटिस कर देना. बोलो तो बेटा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर अपना प्रीवियस ईयर देखो, इतना कहानी मत देखो. हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23. बोलो बोलो. अरे वैसे नहीं, अप्रैल में था ही नहीं, मई में नहीं था, लिखना नहीं है बट ऐसे आप लोग बिगिनर्स हो. जून में, जुलाई में, 16 अगस्त को आ गया ना, तो 16 अगस्त से ही शुरू करो मीटर. अगस्त तो 31 दिन का होता है, 15 दिन हटा दो, 16 डेज. सितंबर मार्च तक था ना बेटा, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, 28, मार्च 31, टू. तो फर्स्ट पार्ट तो एकदम डन है ना, और सेकंड भी फाइनल कर लेते फिर लिख लेते. वो तो 2011 को इंडिया से भाग गया था. बोलो बेटा. ये दिखाए थे ना, कहीं भी तो नहीं था इधर. अरे 7 साल में तो कोई एक दिन भी नहीं था, है ना बेटा? क्या नहीं बोला था? बाहर बोला ना, चला गया था, बोला ना चला गया था. बोलो, अंडरलाइन करो. हाँ तो अंडरलाइन करो ना, उसके बाद नहीं आया. 22-23 में आया बोला, बीच में नहीं आया. नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, ठीक करा था. अब देखो ना, मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया कब छोड़ा था? अंडरलाइन कर, 2011 आया था ना, फिर उसके बाद नहीं आया, लिख लो. 2011 के बाद नहीं आया, एक ही बार 22-23 में आया. वो इसलिए आया ना कि देवराज पढ़ने आएगा, अपने स्टेटस निकालेगा. मजाक कर रहे. अरे 11 के बाद नहीं है. अब मान जाओ ना बाबू, डन. CMA स्टूडेंट, डन डन. अब बोलो बेटा, ये 10 साल में तो एक दिन दिखा ही नहीं, 7 साल में दिखा. तो RNOR डन. तो चलिए आंसर लिखते हैं. बहुत अच्छा आंसर निकाला आप लोग. कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? P7. वही एकदम मेरा एक ही फॉर्मेट है. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23, मिस्टर टी वॉज प्रेजेंट इन इंडिया. इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ी, ठीक है? दोनों ऑप्शन सीख लो. मिस्टर टी वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 228 डेज, ब्रैकेट में अगस्त 16 डेज प्लस सितंबर 30 डेज प्लस अक्टूबर 31 डेज प्लस नवंबर 30 डेज दिसंबर 31 डेज जनवरी 31 फेब्रुवरी 28 मार्च 31. फुल स्टॉप. मिस्टर टी सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ 6-1 बिकॉज ही वॉज प्रेजेंट इंडिया फॉर 182 डेज और मोर. मिस्टर टी सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ 6-1
Mr. T is satisfying first condition of 6-1 because he was present in India. For 182 days or more. During previous year 22-23. Full stop. So he is resident for assessment year 23-24. Then first kaam khatam. Second para. Since Mr. T left India on 16 August 2011, since Mr. T left India on 16 August 2011 and came to India during previous year 22-23, बीच में नहीं आया समझा बेटा, came to India during 22-23, is not satisfying both the conditions of 6-6, is not satisfying both the conditions of 6-6. That is, he was not present in India for 730 days or more in 7 PPY. He was not present in India for 730 days or more in 7 PPY. And was not resident for at least 2 out of 10 PPY, for at least 2 out of 10 PPY, then full stop. Final answer. Therefore, Mr. T is resident but not ordinary resident for assessment year. Mr. T is resident but not ordinary resident for assessment year 23-24. लिया बेटा P8 भी पढ़े थे क्या आप लोग? टाइम मिला था पढ़ने के लिए? क्या आंसर निकाले हो? आरोहा निकाले हो क्या? ये होमवर्क ले लो. आरोहा रे क्या? मैंने पढ़ा नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास देखूंगा. और P9 ना इम्पॉर्टेंट है. P9 करके हम लोग अभी का क्लास छोड़ देंगे. फिर इसमें से मिर्च मसाला होगा जो नेक्स्ट क्लासेस में डालेंगे, बट यही मेन है P9. क्रिकेट प्रेमी लोग को बहुत अच्छा लगेगा. क्रिकेट जिसको अच्छा लगता है, और IPL खासकर जिसमें क्रिस गेल तो सबको हिला के रखता था. अब रिटायरमेंट ले लिया ना क्रिस गेल. वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर विजिट इंडिया फॉर 100 डेज एवरी फाइनेंशियल ईयर. अंडरलाइन 100 दिन के लिए एवरी फाइनेंशियल ईयर. 100 days every financial year. This has been his practice for past 10 years. Last 10 साल से यही हो रहा है. Determine residence status for assessment year 23-24. ये देखो बेटा, बाईस तेईस में 100 दिन, बोलो बेटा, एवरी ईयर 100 दिन. यहां भी
डन, ये उनका कहानी है। तो अपना पीछे मत जाना, पहले अपना प्रीवियस ईयर को पकड़ना, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहला आपका रहेगा कि हमारा 22-23 का देख लेते, 6-1 के बारे में सोचना। 6-1 में दो क्राइटेरिया था, 182 डेज, वो तो फेल हो गया, वो तो 100 डेज है, या एक और कंडीशन था 60 डेज प्रीवियस ईयर, वो तो है ही, प्लस 365 डेज फॉर प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो ई सेटिस्फाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ 6-1, रेसिडेंट बन गया, डन। समझ में आ रहा है? रेसिडेंट बन गया, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नाउ द थिंग इज दैट वंस एसएससी बिकम्स रेसिडेंट, फिर 6-6 भी देखना होता है। तो 6-6 का दो कंडीशंस है, 7 PPY में 730 डेज, 10 PPY में दो बार रेसिडेंट, तो 7 PPY में 1 2 3 4 5 6 7 700 दिन होता है। तो फिर अब दिमाग खर्चा मत करो, हाँ ठीक है, देन आर इन वार, क्लियर है बेटा? स्टार्ट करो, एक होमवर्क दे दिया, अच्छा से लिख के लाना, बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं, सोचना नहीं, जो मन में आएगा लिखते जाना। सो लिखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, कौन सा का आंसर है? P9, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23, क्रिस गेल वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 100 डेज during previous year 22-23, Chris Gayle was present in India for 100 days. And in 4 preceding previous years, (100 days)(100×4). He is satisfying second condition of 6-1. He is satisfying second condition of 6-1 because he was present in India for 60 days or more. He is satisfying second condition of 6-1 because he was present in India for 60 days or more, 60 दिन या उससे ज़्यादा हो ही गया, during previous year 22-23 and 365 days or more, in 4 preceding previous years, then beta, so he is resident for assessment year 23-24, then next para, Chris Gayle is not satisfying both the conditions of 6-6 that is 730 days or more in 7 PPY, 730 days or more in 7 PPY, and resident for at least 2 out of 10 PPY, resident for at least 2 out of 10 PPY,
because he was present in India, because he was present in India for only 700 days, only 700 days, bracket mein 100 into 7, in 7 PPY. Then beta, so final answer. Therefore, Chris Gayle is resident, but बोलो भाई, बोलना बंद हो गया. Resident but not ordinary resident. For assessment year 23-24. कौन कौन सा होमवर्क लिया बेटा? P8, P13, सोल्ड है फिर भी करना. P15, P20, ओके ये रोकते बेटा.